कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, ना नीति है ना नेतृत्व है। कांग्रेस के ऊपर से जनता का विश्वास उठ चुका है। पहला दायित्व कि 25 की 25 लोकसभा सीट के राजस्थान से हम सब लोग मिलकर टीम राजस्थान मिलकर जीते। देखिए कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, ना नीति है ना नेतृत्व है ना उनकी नियत है। इसीलिए आप देखिए कि राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता है उनके इर्द गिर्द जितने युवा नेता थे सब लोग उनको छोड़कर चले गए, और जहां जहां यात्रा जाती है यात्रा निकलने के बाद और लोग उनको पार्टी छोड़कर वो कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ना चाहते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस के ऊपर से जनता का विश्वास उठ चुका है। विश्वास है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि जो कहा वो करके दिखाया। इसीलिए सब लोगों का रुझान, सब लोगों का विश्वास, इस देश के गरीब का विश्वास हो, किसान का विश्वास हो, महिला का विश्वास हो, युवा का विश्वास हो, अगर किसी के प्रति है वो तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के। भाजपा चूंकि इलेक्शन टाइम में एक्टिव नहीं होती, वर्ष पर्यंत आप देखेंगे तो पॉलिटिकल प्रोग्राम के अलावा भी रचनात्मक कार्यक्रम हो चाहे सेवा के काम हो, भाजपा हमेशा जनता के बीच में रहती है, सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम करती है। तो अभी भी माननीय गृह मंत्री जी ने, आप देखिए कि हमारी कोर टीम और लोकसभा की प्रबंधन समिति जो जिसमें बहुत गिने चुने लोग हैं उनकी बैठक लेने भी माननीय अमित शाह जी आए, तो ऐसे स्पष्ट है कि वो एक कार्यकर्ता के रूप में किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर, क्योंकि उनका सिर्फ आना ही राजस्थान के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा देता है, उत्साह देता है, तो उनके अनुभव का लाभ, उनका मार्गदर्शन निश्चित रूप से राजस्थान के टीम को एक्टिव करने में, उनको और तीव्रता लाने में हमें सब लोगों को मदद करना है, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व पार्टी ने दिया है। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है, पहला दायित्व कि 25 की 25 लोकसभा सीटें राजस्थान से हम सब लोग मिलकर टीम राजस्थान मिलकर जीते। इसके लिए हमारा मुख्य उद्देश्य है चुनाव लड़ना, वो पार्टी निर्णय करेगी। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।